हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय रिलेटेड कक्षा 9 क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी वीडियोस पे कवर करा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे आप हमें जरूर लिख सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, वहां से भी आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अंडर रूट 169 अपॉन 144 प्लस 1 अपॉन 2 इज, और वैल्यूज आपको यहाँ पर एबीसीडी करके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। 169 अपॉन 144 प्लस 1 अपॉन 2, बहुत ध्यान से पढ़े, इस साइन को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान रखिए। बहुत बच्चे गलती करते नहीं पढ़ाता है, तो यहां पर ध्यान रखिए, इस साइन को हम लोग अंडर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर रूट। और अंदर वैल्यूज लिखी 169 अपॉन 144 ये फ्रैक्शन पे, प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर रिलेटेड है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि आप लोग सभी लोग 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर जरूर लर्न कर लीजिए कि किस नंबर का कौन सा स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर जब पूछने आपसे तो 36 है ना, या हम ऐसे पूछ सकते हैं कि 49 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 81 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। 144 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है। 169 किस नंबर का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 196 किस नंबर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है ना। तो इस तरह के आपको सभी नंबर्स के स्क्वायर जरूर लर्न कर लीजिए कि जैसे नंबर दिए वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर, तो ये लर्न होना चाहिए। या पूछ ले आपसे कि 7 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 49। तो इस तरह आपको दोनों टाइप से लर्न होने चाहिए। तो ये फ्रैक्शन में है, अंडर रूट पे है। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर्स होते हैं तो जिस नंबर का स्क्वायर होता है उस नंबर को हम बाहर नंबर्स पे लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर देखिए 169 है तो किस नंबर का स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है, ठीक है। किस नंबर का स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है अपॉन। और 144 किस नंबर का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो आप यहां पर 12 स्क्वायर। तो कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर बन रहा है तो उसको नंबर को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 13 स्क्वायर है तो आप इस नंबर को बाहर ले आइए तो सिर्फ 13 बस लिखेंगे, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 13, अगर किसी भी नंबर के अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बनता है, यानी 13 मल्टीप्लाई 30, यानी दो बार अगर लिख जाते कोई भी नंबर, दो बार मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स लिख जाते हैं, तो उस नंबर को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिलेटेड में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 13 स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 13, और 12 स्क्वायर है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे 13 अपॉन 12 और अंडर रूट यहां से हट जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 यहां हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन नंबर हो गए, अब आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 12 और 2 का क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 2 का एलसीएम 12 मिल जाएगा। 12 का डिवाइड करोगे 12 में 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 13, प्लस 2 का डिवाइड ऐसे करिए 12 में, 2 6 12 और 6 1 जा 6। तो ये तो आपको आते होंगे ना फ्रैक्शन एडिशंस है, फ्रैक्शन एडिशंस तो पहले भी आपको पढ़ा दिए गए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पहली क्लास 8 तक भी पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं। तो 12 और 2 का एलसीएम लेना है, 12 मिल जाएगा। 12 का डिवाइड करेंगे पहले 12 में 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो पहले डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई करते, तो 13 में 13। 2 का डिवाइडेशन करेंगे 12 में, 2 6 जा 12 और 6 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 6 1 जा 6। 13 और 6 को प्लस कर लो 19 अपॉन 12, तो 19 अपॉन 12 इट इज अ राइट आंसर। तो 19 अपॉन 12 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इट इज अ कंप्लीट सी इट इज अ राइट आंसर। तो इस तरह का आपको बिल्कुल इजीली है सभी। पहली बात आपको स्क्वायर नंबर लर्न होने चाहिए, नंबर में अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखे जाते हैं उनको स्क्वायर नंबर पे लिख लीजिए कि किस किस नंबर का स्क्वायर है, और स्क्वायर में अगर कोई नंबर हमें मिल जाते हैं तो उसे हम अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ये नंबर हमने बाहर निकाल लिए, इसके प्लस 1.2 तो ऐसे ही नंबर लिखा हो उसको आपने ऐसे ही नोट कर लिया, फ्रैक्शन एडिशन हो गए, सोल्यूशन करके आप इसको फ्रैक्शन एडिशन में कर लिए, दैट इज अ राइट आंसर। कभी कभी ये आंसर्स याद रखिएगा, इसे कभी कभी होल मार्क्स पे भी करके आंसर आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे 12 1 12 हो जाएगा, और कैरी यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे 7 अपॉन 12, तो ये भी शायद आपको आते हो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर, कभी कभी आपको आंसर शीट पे मिलते हैं ऑप्शन में, तो वन अगर 1 होल 7 अपॉन 12 कहीं पर मिल जाए तो वो भी इट इज अ राइट आंसर होगा। कैसे मैंने नोट किया, 12 का डिवाइडेशन करिए 19 में, 12 बन जाए 12, तो यहाँ पे इस साइड में 1 लिख लेंगे, ठीक है, इसमें फिर 12 बन जाए 12 हो गया, 12 में कितने प्लस कर दें 7, तो 19 हो जाएगा, तो 7 उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन 12, तो जिसे हम डिवाइडेशन करते हैं उस नंबर को वैसे ही लिखते हैं, इट इज अ राइट आंसर, कंप्लीट हो गए। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे,
मैं आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं आ रहा है। तो जैसे 19 का मैंने क्या किया कि 12 में डिवाइडेशन किया, तो 12 वन जो 12 हो गया, तो यहाँ पे 9 में 2 माइनस करो 7, ये तो आपको डिवाइडेशन तो आता है ना, 12 का डिवाइडेशन 19 में मैंने कर दिया, तो रफ में आप कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन होगा उसे बगल में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आए तो आप उसे मिस फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको इस प्रोसेस पढ़ा दिया है। देखिए कई टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन उसमें जो भी जितने रूल्स हैं, जो भी फॉर्मूले रिलेटेड है, क्या कैसे करते हैं, वो मैं सब पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, चाहे वीडियो में एक क्वेश्चन आप पढ़ पाए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें, जिसमें से ये सभी इंपॉर्टेंट जितने भी रिलेटेड जानकारियां वो सब आपको मिल जाए, जिसमें से आपके क्वेश्चन सभी क्लियर हो। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन में आएंगे, आप बिल्कुल इजी तरीके से बड़ी क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। तो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशन जैसे मिलेगा क्लिक करके आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल भूलिए, जल्दी से अपने सबके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।